हिमाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट से सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वालों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देते हुए इस वर्ष 1 जुलाई से 6% महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा की। प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर साहस घोषणा करता हूँ कि 1 जुलाई 2021 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते की 6% की किस्त दी जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और हिमाचल प्रदेश पर इसका जो है वो जो कर्मचारियों को ये लाभ कुल मिलाकर के 450 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारी को मिलेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने सरकारी राशन डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले खाद्य तेलों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 4 महीनों तक बीपीएल परिवारों को खाद्य तेल 30 रुपये जबकि एपीएल परिवारों को 10 रुपये सस्ता दिया जाएगा। उन्होंने नवगठित मंडी नगर निगम के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री ने मंडी शहर में शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत कई अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे।